दोस्तों, कभी कभी आपने अपने परिवार में सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है, आइए जानें। सर्वप्रथम हम लोग धार्मिक मान्यता या प्राचीन काल में जो मान्यता थी उसके बारे में जानते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु केतु नामक राक्षस उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है। आइए अब हम इसके कहानी को जानते हैं। हम पीछे जाते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था। देवताओं और राक्षसों में सहमत बनी थी कि समुद्र मंथन से जो भी चीज उत्पन्न होगा वो मिलकर हम लोग दोहन करेंगे। फिर समुद्र मंथन आरंभ होता है। विष, हाथी, घोड़ा, लक्ष्मी जी इत्यादि निकले और अंत में अमृत निकला, जिसको देखकर राक्षस टूट पड़े, जिससे देवता आहत होकर विष्णु जी के पास जाकर अपनी समस्या सुनाई और वह तुरंत मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों के सामने आए, जिससे राक्षस मंत्र मुग्ध होकर उनकी सारे शर्तें मानते गए। फिर एक जगह बैठाकर मोहिनी अपने छल के द्वारा राक्षसों को मदिरा एवं देवताओं को अमृत पिलाते गई। अंत में राहु केत यह सब देख रहा था और वो धीरे से देवताओं में चुपके से देवता का रूप धारण करके जाकर अमृत पी लिया। यह प्रक्रिया सूर्य और चंद्रमा देख रहे थे, तभी उन्होंने मोहिनी को बताया। वह तुरंत विष्णु रूप धारण करके चक्र से राहु केत का सर धड़ से अलग कर दिया। सर का जो हिस्सा है वह राहु है और धड़ का जो हिस्सा है वह केतु है। वह क्रोधित होकर सूर्य और चंद्रमा को अमावस्या यौम पूर्णिमा को हर वर्ष निगलने का प्रण किया। परंतु यह बात सही नहीं है। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया है। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है और जबकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। दोस्तों, आइए समझते हैं ग्रहण किसे कहते हैं। इक्लिप्स यानी ग्रहण, जब किसी आकाशीय पिंड का यानी किसी ग्रह या पिंड या वस्तु का पूरा हिस्सा या कुछ हिस्सा किसी दूसरे ग्रह या पिंड या वस्तु से पूरा हिस्सा या कुछ हिस्सा ढक जाता है, इस ढकने की अवस्था या घटना को ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण यानी चंद्रमा पर लगने वाला ग्रहण। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है और क्यों होता है? चंद्र ग्रहण जब भी होता है तब पूर्णिमा होती है और चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है पृथ्वी से। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा अपने अक्ष पर एक ही सीध में होते हैं। अर्थात दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी ठीक सीध में आ जाती है, जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी ढक लेती है और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। यानी चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर जो काला काला दिखता है वह दरअसल हमारे पृथ्वी की छाया होती है। दोस्तों, पूरा चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा कुछ समय के लिए लाल दिखाई देता है। यह इसलिए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में टकराकर 7 रंगों में परिवर्तन होता है और सबसे ज्यादा लाल रंग की मात्रा चंद्रमा पर पड़ती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण लंबे समय तक रहता है, लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष एंटी क्लॉक वाइज घूमता है और चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष एंटी क्लॉक वाइज घूमती है। दोनों एक ही दिशा में गति करते हैं, इसलिए लंबे समय तक ग्रहण रहता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के ही दिन क्यों लगते हैं? दोस्तों, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में नहीं होती है तो पूरा चांद दिखता है। अर्थात सूर्य का प्रकाश सीधे चांद पर पूरा पड़ता है और पूरा चमकीला चांद दिखता है। लेकिन पृथ्वी जब बीच में आ जाती है तो ग्रहण लग जाता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। दोस्तों, इस दिन समुद्र में या आसपास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दीर्घ ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% पानी है। इस दिन सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण यानी खिंचाव सबसे ज्यादा रहता है, एक सीध में रहता है, जिससे बहुत ज्यादा लहर उड़ती है।
इसलिए हमें ऐसे जगहों से सतर्क रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण, दोस्तों क्या आपको पता है कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और क्यों होता है? दोस्तों जब पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है, तब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता। दोस्तों हम लाइव उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यह है सूर्य और ये देखिए चंद्रमा, ये देखिए पृथ्वी, और ये तीनों जब एक सीध में पड़ते हैं तो हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। यहाँ देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाता है क्योंकि चंद्रमा प्रकाश को ढक लेता है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण में चंद्र की वास्तविक छाया दिख रही है। दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान जो काला काला दिखता है वह चंद्रमा होता है। अमावस्या के दिन हमें चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के पिछले भाग में पड़ता है और हम पृथ्वी से उसके आगे वाले भाग को देखते हैं, तो काला काला सा दिखता है। दोस्तों यह वीडियो क्लिप दूरबीन के द्वारा पृथ्वी से लिया गया है। वास्तविक सूर्य ग्रहण का नजारा है जहाँ पर चंद्रमा धीरे धीरे सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर थोड़ी देर के लिए सूर्य ग्रहण के दिखने वाले स्थान पर अंधेरा कर जाता है। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकती है। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए बल्कि इसे वैज्ञानिक द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। दोस्तों हमने ग्रहण के बारे में धार्मिक एवं भौगोलिक वैज्ञानिक तथ्य दोनों आपको बता चुके हैं। अब तक आप लोग जान चुके होंगे कि क्या सही है और क्या मिथ्या है। दोस्तों ज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा अस्त्र है और अंधविश्वास मनुष्य को अंधेरा में ले जाता है। हमेशा तर्क एवं वैज्ञानिक तथ्य को माने। दोस्तों अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।